Assalamualaikum, my name is Atif Asim and you are watching my tech life. So viewers, aaj ka lesson jo hai wo hai statement pe, decision making statement pe do parts hain is video ke. Pehle part mein main aapko actually main is statement mein char statements aati hain. Pehli if, second if else, third nested if aur chauthi kaun si switch. ये चार स्टेटमेंट्स डिसीजन मेकिंग में आती हैं, तो मैं आपको दो पार्ट्स कर दूंगा, पहले में दो, अगली वीडियो में दो पार्ट्स. सो इसमें हम बात करने वाले हैं इफ के बारे में एंड इफ एल्स. हम बात कर लेंगे पहले स्टेटमेंट की, इफ की. अगर ये इंसान, अभी इफ स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, इफ एल्स की बात नहीं कर रहा, पहली स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूँ. अगर ये इंसान यहाँ लाहौर से इस्लामाबाद गया तो इसे 50 रुपीज़ मिलेंगे, नहीं गया तो खामोश. प्रैक्टिकल बताऊंगा सारा आपको. सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम डालेंगे हेडर फाइल्स इंक्लूड stdio.h एंड इंक्लूड ccono.h. फिर व्यूअर्स हम डालेंगे void main एंड देन हम जो चीज़ करेंगे वो ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट के बाद क्लियर स्क्रीन डालेंगे. तो मेन चीज़ें हैं और उसके बाद हम लिखेंगे int ए. अब इंट ए क्या है, इंट ए हम 50 दे देते हैं, यानी इंटीजर ए वो कितना है, 50 है. ये सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ पिछली अपनी वीडियोस में, जिसको नहीं समझ आया पिछली वीडियोस जाके देख सकता है. सो व्यूअर्स, अब बात आ रही डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की. तो सबसे पहले हम बात की थी इफ की, कि इफ ए ग्रेटर देन 49, ठीक है व्यूअर्स, देन प्रिंट, प्रिंट अब यूज करेंगे हम माई नेम इज आतिफ. ओके व्यूअर्स, ए इसको क्लोज कर देंगे और गेट सी एच लगाएंगे. इसमें कुछ भी एल्स वाला मामला नहीं, क्योंकि खाली ये कौन सी स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है, तो इसको बंद कर देंगे. अब इसको अगर रन करवाएंगे हम, तो देखिए लिखा रहा है माई नेम इज आतिफ. अब माई नेम इज आतिफ क्यों लिखा है, क्योंकि जो बात थी ना, ये ए ग्रेटर देन 49 ट्रू होती है, क्योंकि ए 50 है तो ए ग्रेटर देन 49 तो है. अगर मैं इस बात को फॉल्स कर देता हूँ, अगर मैं कह देता हूँ ए ग्रेटर देन 50, तो अब क्या आना चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एल्स का मामला ही नहीं है. देखें कुछ भी नहीं आ रहा, एल्स का मामला ही नहीं है व्यूअर्स इसके अंदर. व्यूअर्स, जिस तरह आपने देखा कि मैंने आपको इफ की बता दी कि इफ स्टेटमेंट प्रैक्टिकली किस तरह परफॉर्म होता है, बात करते हैं इफ एल्स की. एक पहले दुनिया के मुताबिक समझाऊंगा. अगर ये इंसान लाहौर से इस्लामाबाद गया तो इसे 50 रुपीस मिलेंगे, अगर ना गया, इसका मतलब है एल्स, अगर ना गया तो इसे 20 रुपये मिलेंगे. बात समझ आएगी. सो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं इफ एल्स की, कि इफ एल्स किस तरह इस्तेमाल हो सकती है. सारा कुछ वही है, इंड ए इक्वल 50 ही मैंने रखा है ताकि आपको समझ सही तरीके से आए. अब बात कर लेते हैं इफ एल्स की. पहले तो लिखा आएगा कि इफ आपने जो भी ग्रेटर देन डालना है ग्रेटर देन डाल दें, ट्रू वैल्यू डालनी ट्रू डाल दें, फॉल्स डालनी फॉल्स डाल दें. मैं पहले ट्रू डाल देता हूँ, ए ग्रेटर देन 48, ये बात ट्रू है. ब्रैकेट डालेंगे, अगर बात ठीक है तो प्रिंट हो, क्या प्रिंट हो, माई नेम इज आतिफ. ए का काम कर रहे हैं हम, तो प्रिंट करवा दिया. अब हमने इस्तेमाल करनी एल्स स्टेटमेंट के, अगर ये बार ट्रू ना हो तो क्या इस्तेमाल करें, एल्स लिखेंगे, सिंपली एल्स लिख के ब्रैकेट डाल देंगे, फिर लिखेंगे प्रिंट एफ ए आई लव माय सेल्फ, ठीक है, ए का काम है. तो व्यूअर्स, ये इफ एल्स पूरी होगी स्टेटमेंट, ठीक है. अब इसका मतलब है कि अगर बात ट्रू है तो पहला वाला पार्ट प्रिंट हो जाए माय नेम इज आतिफ, अगर बात ट्रू नहीं है तो दूसरा पार्ट प्रिंट हो आई लव माय सेल्फ. रन करवाऊंगा मैं तो देखें लिखा रहा माय नेम इज आतिफ ही, इसलिए लिखा रहा है क्योंकि बात क्या है, ट्रू है. सो व्यूअर्स, अगर मैं इसे चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 51 लिख लेता हूँ, और अगर अब इसको रन करवाता हूँ तो सिंपली दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा आई लव माई सेल्फ. अब एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई
अगर व्यूवर्स आपके सामने कोई इस तरह की चीज़ आ जाए, यानी कि इस तरह का आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्पेस कोई नहीं डालेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखा ना प्रिंट एफ और उसके बाद मैं एक और चीज़ डालना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, ये देखें इस तरह से मैं कुछ डालना चाहता हूँ, या मैं एक और ब्रैकेट डालना चाहता हूँ, तो अगर मैं अगर कोई इस तरह की चीज़ आ जाए तो वो एक और ब्रैकेट नहीं डालेगा, वो उसे खा जाएगा, लाइक कोड डाल के उसको इसको रिप्लेस कर देगा। तो अगर आपके पास इस तरह का मामला हो तो आपने कंट्रोल वी को दबा देना है। कंट्रोल वी को दबाने से, कंट्रोल प्लस वी को दबाने से वो इस तरह का कर्सर आ जाएगा जिसमें आप सिंपली स्पेस डालेंगे, सारा कुछ ओके हो सकता है। व्यूवर्स आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो मुझे बताएं, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।